हेलो दोस्तों, वेलकम बैक क्लीन कलरियाज। दोस्तों, आज हम आपको जिनिग्रा टेबलेट के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि ये किन बीमारियों में काम आती है, इसको कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आइए जानते हैं ये दवा किन बीमारियों में काम आती है। इस दवा का उपयोग मुख्य रूप से अस्थायी स्तंभन दोष यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के उपचार में किया जाता है। ये दवा लिंग की रक्तवाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स के मांसपेशियों को आराम दे करके लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और यौन क्रिया के दौरान लिंग को तनाव देने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इस दवा के खुराक के बारे में। अधिकांश रोगियों को इस दवा की 50 mg टेबलेट ही डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके आवश्यकता अनुसार इसका सेवन सेक्स से या यौन क्रिया से 1 घंटा पहले या डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। यदि किसी ने इसकी अधिक मात्रा में सेवन कर लिया हो तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दवा के होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन, चक्कर आना, अपच। तो चलिए जानते हैं इस दवा से संबंधित कुछ सावधानियों के बारे में। अगर इस दवा को लेने के बाद इरेक्शन या अस्तंभन 4 घंटे तक रहता है या उससे भी अधिक रहता है तो उसे तुरंत आपातकालीन में उपचार लेनी चाहिए। यदि आप लो बीपी, लीवर रोग, हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के बगैर ना करें। ये दवा उनके लिए भी उचित नहीं माना जाता जिनको शराब की लत है। यदि ये दवा आपके करीबी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह आप कौन सी दवाई ले सकते हैं, जैसे कि सिल्डिनाफिल, वियाग्रा, विगोरा, सुहाग्रा, पेनेग्रा, मैक्सुत्रा। तो ये थी जिनिग्रा टेबलेट के बारे में जानकारी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।